घाट पार करके मिलेगा तुम्हें। नहीं है कट है, चलो 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 दिखाता कट है। गाइज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, गाइज आप अगर दिल्ली और पुणे को छोड़ के अगर आप भी किसी और सिटी से या स्टेट से हो तो आप भी सोच रहे होगे क्यों ना मैं दिल्ली से बाइक मंगा लूं या पुणे से बाइक मंगा लूं और यहां पे यूज कर लूं। आप में से कुछ ये पूछ रहे थे ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, आपको बता दूं इन्हीं सब का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूं गाइज। तो गाइज ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है, आपका कोई रिलेटिव रहता है दिल्ली में या पुणे में, उस रिलेटिव की आईडी पे आप बाइक ले सकते हो और उसे अपनी स्टेट में ला सकते हो। ऐसा ही मेरे एक दोस्त ने किया है जो हमारे टेलीग्राम यूजर टेलीग्राम ग्रुप में है, उन्होंने ऐसा किया हुआ है, उन्होंने दिल्ली से अपने रिलेटिव की आईडी पे एक रिवोल्ट बाइक ले ली और कल ही उन्होंने यहाँ से बाइक ली और ट्रेन से वो लखनऊ ले गए हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कुछ ट्रेन से आई थिंक उन्हें 2300-2400 रुपये लगे थे उनके, तो यहाँ से वो लखनऊ ले गए, वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है और आप भी ऐसा कर सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ी कमियाँ यहाँ पे जो आपको दिक्कतें आ सकती हैं वो आपको बता दूं। सबसे पहली बात, आपको सर्विस का यूज़ नहीं कर पाओगे, जो कि सबसे मेन सर्विस वो है रिवोल्ट स्विच। ठीक है, डेफिनेटली आप घर में चार्ज कर सकते हो बट रिवोल्ट स्विच जो है बहुत ही काम की सर्विस है रिवोल्ट स्विच, तो आप उससे एकदम दूर हो जाओगे। आपको कभी भी बाइक में दिक्कत आती है तो आपके मन में आपके दिमाग में टेंशन रहेगी, आपके मन में डर रहेगा कि हाँ भाई मेरे बाइक में दिक्कत आ गई तो मैं कहाँ जाऊँगा। एक आपको सर्विस कराने भी दिल्ली आना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे कोई सर्विस सेंटर नहीं है, तो आप बाइक में कोई दिक्कत आती है सर्विस कराने तो आपको दिल्ली आना होगा। तो मैंने जब बाइक कंपनी से बात करी तो उन्होंने कहा था कि 1000 किलोमीटर पे इसकी सर्विसिंग कंपलसरी है, तो वो आपको करानी पड़ेगी। बट रिवोल्ट के जो मैनेजर हैं बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली है, उन्होंने बताया था कि अगर आप ले जा रहे हो बाइक कॉन्ग्रेचुलेशन, बट अगर आपकी बाइक में कोई दिक्कत आती है आप हमें बता देना, हम आपके जो दिक्कत है स्पेयर पार्ट वगैरह है वो यहीं से आपको कुरियर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी सर्विस सेंटर की, आपकी बाइक में कोई दिक्कत आती है तो आपको दोबारा दिल्ली आना पड़ेगा, आप रिवोल्ट सर्विस का बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस ये तो कमियाँ हो गई, अब ऐसा करना ठीक होगा या नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से अगर आप ज़िद्दी हो, आपने मन बना लिया है, अगर आपने मन बना लिया जैसे हमारे उस दोस्त ने मन बना लिया, तो वो तो लेके ही जाएगा, बट आप हाँ दिमाग में रख लेना कि ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं आएंगी भी, बट हाँ डेली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती हैं, ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉनिक, अब तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक ही आ गई है तो दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि बाइक कहीं से मंगा लेते हैं दिल्ली या पुणे से और अपने यहाँ यूज़ कर लें, तो ये बातें आप अपने दिमाग में रख लेना कि ये दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी वीडियो मेरे चैनल में बहुत सारी आ चुकी हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए, सारी काम की वीडियो आपके लिए। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है सभी रिवोल्ट यूज़र का, वहाँ पे 60-70 रिवोल्ट यूज़र हैंगे, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लेना, और कोई भी दिक्कत हो हमारे चैनल तो ओपन है ही, जब मर्जी मैसेज कर देना, आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।